नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साहिबगंज में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा राजधानी रांची मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनके मुख्यमंत्री आवास पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पंकज मिश्रा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते बीजेपी पर काफी हमलावर दिखे। इस दौरान उन्होंने बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोपों की झड़ी लगा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पाक साफ हूं, कोई भी एजेंसी मेरे खिलाफ जांच कर ले, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आरोप लगाने वाले कौन है? सत्ता से बेदखल हुए व्यक्ति हूं तो आरोप तो लगाएंगे। झारखंड राज्य गठन होने के बाद 17-18 वर्षों तक झारखंड का दोहन करने वाले भारतीय जनता पार्टी, आज जब जनता उनको नकार दिया तो उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका कहाँ निभा रहे हैं? उनको तो सत्ता चाहिए। आज ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी आया मनरेगा घोटाला के जांच करने के लिए। मनरेगा के किसी अफसर पदाधिकारी को उस समय क्या हुआ था, किसी का खोजबीन नहीं। कभी डीटीओ को, कभी डीएमओ को, कभी कुछ, क्या मतलब है? हमारे ऊपर सीबीआई जांच लगा दिया। मैं तो बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आपके जितने तोते हैं सब लगा दो। अगर तोते कुछ कम पड़ जाते हैं तो विदेश से तोते मंगवा लो, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साहेबगंज में अवैध उत्खनन हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बताइए ना, इसके पहले रघुवर दास जी क्या किए थे? मेरे पास तो समूचा डॉक्यूमेंट है और हम ये साबित कर देंगे। रघुवर दास जी के रीजन में 5 साल में 55 लीज दिए गए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के 10 व्यक्ति को दिया गया। ताला मरांडी के दोनों बेटा के नाम से लीज है। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वनाथ साह और पप्पू साह के नाम से लीज है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के नाम से लीज है। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के सिंबल पर चुनाव लड़े हुए पाकुड़ से रंजीत तिवारी, रंजू तिवारी जो 63,000 वोट लाए थे, उनको 2017 में लीज मिला। समय का इंतजार कीजिए ना, बरसात में बैंक अड्डे पर आकर टर 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 करते हैं, तो इंतजार कीजिए कि पानी कब घटेगा, इसके बाद पता लगाइए कि बैंक कहाँ जा रहा है, तब वार कीजिए ना। आपको डर नहीं लगता सीबीआई गलत रहेंगे? तब ना डर, क्या चीज का डर, क्या चीज का डर? 32 साल तक हम इस पार्टी में हैं, हमने अलग राज की लड़ाई लड़ा है और जेल जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने से लग जाएंगे क्या? दूध के धोए हुए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी बताए ना, बाबूलाल मरांडी जी बहुत साफ सुथरे बनते हैं। रघुवर दास जी के समय में साहेबगंज में एक सिविल SDO IAS अफसर को एक क्रेशर माफिया ने डीजल रूम में बंद कर पीटा था, 4 घंटा तक बंधक बनाया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस माफिया पर। क्यों? कौन थे वो IAS ऑफिसर? सतपथकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, इनके राज में यही था। और जब हमारी सरकार में उन पर नकेल कसा गया, जिसके ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं, तो बाबूलाल जी उसको बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साहेबगंज जाते हैं तो उसके जहाज से, अलीगढ़ जहाज से नौका बिहार करते हैं। ये क्या सफाई देंगे ये लोग? चलिए ठीक है, बोलेंगे ये बाबूलाल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शानदार मिश्रा जी, जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ, उन पर क्या वारंट था? क्या था वारंट? था गिरफ्तारी वारंट, था गिरफ्तारी वारंट था। हम डराने वाले में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भक्की मत दे। जहां जिस भी एजेंसी को बुलाना है बुला ले, हमें CBI भी बुलाया था, हम गए, रिजल्ट थे CBI। क्या हुआ रूपा कांड में? CBI क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहा है? प्रस्तुत करे। आरोप लगा देना तो बहुत आसान है भारतीय जनता पार्टी को, आरोप लगा दो। अरे यार, अपने आंगन में झांक कर देखे ना, 76 को छेद है उसके में। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप समानांतर सरकार चलाते हैं साहिबगंज में, कोई DC SP मैं सरकार हम चल नहीं चला रहे हैं, हम अपनी पार्टी चला रहे हैं। अब BJP के समांतर चला रहे हैं, उसको दाब कर चला रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं,
कि राजमहल लोकसभा में जो भी एक भी टिमटिमाते हुए तारा है ना, उस बार उसको बंद कर देंगे। जितनी शक्ति लगाना होगा बीजेपी को लगा देगा।